छात्रों आप सभी को शुभकामनाएं। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। नवीं कक्षा के छात्रों, कल हमने साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना पद के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर चुके थे। इस दुनिया में जन्म लेने के बाद हम सभी एक दूसरे के मदद करते रहने की प्रणाली हमारे अंदर आना है। इसी तरह शायद दुनिया का गाना था कि साथी हाथ बढ़ाना। तो आज हम देखेंगे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, इसके बारे में जानकारी चेरापूंजी से आया हूं। चेरापूंजी में क्या होती है? एकत्री चेरापूंजी होता साल भर वर्षावती रहती है। वहां पर पन बिजली का इतनी उत्पादन होता है। पूरा मेघालय राज्य के शिलांग में पूरा शहर जगमगा उठाने पर भी अतिरिक्त पन बिजली उत्पन्न होता रहेगा। उनको कई राज्यों को बेच देते। इसी तरह आज जल विद्युत, एयर एनर्जी, जो फैन वगैरह बताया है आज, विंड पावर, सोलर पावर। तो आज हम देखेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। ऊर्जा यानी पावर, ऊर्जा की स्मार्ट पावर, शक्ति, ऊर्जा शक्ति। हाल ही में हिस्सा भाग अंश ताप गर्मी स्रोत स्थान तकनीक तकनीक टेक्नोलॉजी प्रविधि नवीकरणीय नवीकरणीय पुनः एक बार रिन्यूएबल ईंधन ईंधन वाहनों आदि में उपयुक्त डीजल पेट्रोल
सिंचाई किसी जल स्रोत से खेत में जल पहुंचाना। सिंचाई मतलब ड्रॉप इरिगेशन, हल्का कम वजन वाला उद्योग संबंधी डिग्री क्या है वहां पर? कोचीन, कोचीन हवाई अड्डे में 100% सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। कोचीन, कोचीन पर हवाई अड्डे में 100% सौर ऊर्जा का उपयोग। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की दो तकनीक है, फोटोवोल्टाइक कॉन्स्ट्रेटिंग, कॉन्स्ट्रेटिंग दो तरीके से जो सूरज से बिजली उत्पादन की जाती है, उसके दो तरीके हैं, तकनीक टेक्निक फोटोवोल्टाइक कॉन्स्ट्रेटिंग। देखिए चलो यहां पर आशय, आज के युग में नवीकरणीय यौगिक ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। नवीकरणीय जो खत्म होने पर उसके बारे में जो सर्च कर रहे हैं, जो सर्च किया जा रहा है, उसके बारे में खोज की जा रही है, तलाश रहे हैं उसके बारे में। ऐसे अभी बिजली की, देखिए पेट्रोल और डीजल की कमी को पूर्ण करने के लिए सोलार एनर्जी को आज बिजली के रूप में और विंड पावर को ले रहे हैं। जब कमी पड़ता है उसके बारे में सर्च किया जाता है। सब ऊर्जा की नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है, नवीकरणीय योग्य ऊर्जा जो है सोलर सिस्टम। इस पाठ के द्वारा ऊर्जा की महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। यह जो पन बिजली है, बिजली है, इस बिजली का महत्व आज हम सब समझ रहे हैं। बिना बिजली के पाठ किया नहीं जाता, आपको पाठ देखा नहीं जाता। देखिए आजकल नो करेंट हुआ तमाम इस दुनिया में, अगर बिजली के बिना कुछ नहीं है। बिजली है सब कुछ है, अगर बिजली नहीं है कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें समझना है बिजली के बारे में बहुत से जानकारी हासिल करनी है। पहले पर बिजली का उत्पादन किया जाता था, आज
अकाल के कारण नदियों में जलपातों में पानी कम होने की वजह से बिजली की उत्पत्ति प्रमाण परिमाण कम होने के बाद विंड पावर को खोज किया गया। आज जो है सोलर एनर्जी को भी सर्च किया गया। हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। हजारों साल बीत गए हैं। जो पावर का मूल है, ऊर्जा का जो मूल है, वह रवि है, सन है, सूर्य है। लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। एट प्रेजेंट आजकल के दिनों में सूरज से ही बिजली का उत्पादन करना हाल ही में शुरू हुआ है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। लिख लीजिए, सूर्य हमारी पृथ्वी से, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। बिजली नहीं है, सब कुछ बंद, घर में पानी नहीं आएगा, खाने के लिए आटा पिसा नहीं जाएगा, टीवी के बिना आपको खाना अच्छी नहीं लगेगा, मोबाइल के बिना, नेट के बिना
आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम इस दुनिया में चैन सुकून से रहना है तो हर एक काम चलना है तो बिजली की आवश्यकता है। आज बिजली नहीं है, कौन सा भी काम वर्क नहीं चलेगा, सभी फैक्ट्रियां बंद पड़ जाएंगे, हर काम आधा के आधा रह जाएगा। देखिए आधा घंटा एक घंटा बिजली चली गई तो कामों का छोड़ दीजिए, सिर्फ आपके घर में का काम को ले लीजिए, आपका एरन से लेकर जो मम्मी आपको खाना बनाती है वहां तक। जैसे बिजली का उपयोग का मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा। स्रोत यानी उत्पत्ति स्थान कहां से, सूरज से भी क्या मिलता है, क्या मिलता है, ताप भी मिलता है और प्रकाश भी। आप रातों में कितने बल्ब लगाओगे, जलाओगे, सूरज के जैसे बल्ब आप कभी देखे हैं? सारा आलम पूरी दुनिया भर के ऊर्जा का जो मूल है वह है सन, उसके बिना कुछ संभव नहीं है। अगर सूरज है हम सब है, क्योंकि शक्ति का मूल है सूर्य। तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग ऊर्जा का उत्पादन। नवीकरणीय योग ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः देखिए, नवीकरणीय योग ऊर्जा का उत्पादन, नवीकरणीय योग ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य, इन तीन तत्वों से हो सकता है। जल, वायु तथा सूर्य, पानी से, हवा से, सूर्य से, इन तीन तत्वों से हो सकता है योग्य ऊर्जा का उत्पादन। इसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहा जाता है। विंड पावर, सोलर पावर और वाटर पावर, बिजली, पन बिजली, पन बिजली का उत्पादन जल से होता है, विंड पावर का उत्पादन हवा से होता है और सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य से होता है। हमें समझना है इन तीन तत्वों से, जल, वायु तथा सूर्य, इन तीन तत्वों से योग्य ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब जो बताते हैं वह क्या बात है, पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हुई है। क्या बात है पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करना, सौर ऊर्जा
संज्ञा से सूर्य से बिजली उत्पन्न करना। पहला करने के प्रमुख रूप से दो तकनीकें उपलब्ध हैं, दो तकनीक तेजी से होती है उपलब्ध है। एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग। देखिए, सूर्य से जो बिजली उत्पन्न करने का दो तकनीक है वह है फर्स्ट वन फोटोवोल्टाइक और सेकेंड वन कॉन्सेंट्रेटिंग। इन दो तकनीक से सब ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। जी हाँ, इन दोनों तकनीकों में सब ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। इन दो तकनीकों के सहारा लेकर फोटोवोल्टाइक और इन दो तकनीकों के सहारे सौर ऊर्जा का उत्पादन सीधे बिजली के रूप में तैयार किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग कहां कहां होता है आइए देखें। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है हो रहा है, इसका उपयोग कहां कहां किए जाते हैं देखिए। बिना वायरिंग के कहीं पर भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको दिया गया है देखिए, विंड पावर, वाटर पावर और सौर ऊर्जा यह विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है। यह ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। क्या कुछ इससे घरों में बिजली मिलती है, पानी भी गर्माया जा सकता है। अगले सौर ऊर्जा से जो सन पावर से सोलर एनर्जी से घर में क्या किया जाता है, घरों में बिजली मिलती है और जो पानी गर्माया जा सकता है। सोलर कुकर खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है होता है। जी हाँ, सोलर कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। सोलर कुकर में पानी और चावल डालकर बाहर चावल बनाया जा सकता है। इसका मतलब है पकवान भी कर सकते हैं। सोलर कुकर को हिंदी में क्या कहते हैं, सौर चूल्हा पाचक। लिख लीजिए, सोलर कुकर को हिंदी में सौर चूल्हा पाचक कहते हैं। सौर लालटेन यह हल्का होता है। अरे, इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, सोलर लालटेन जो है जैसे गैस सिलेंडर है, वैसे ही सोलर लालटेन बहुत हल्के होते हैं। बाहर दिन के वक्त बाहर रखना है, रात के वक्त अंदर रखने में वहां आराम से आपको प्रकाश देगा और वह बोझ भी नहीं होता, बहुत हल्का होता है। उसके लिए पेट्रोल, केरोसिन, डीजल की किसी की भी जरूरत नहीं है। सौर लालटेन का हुआ सौर पत्रदीप। वाह, सौर पत्रदीप से होती है बिजली की बचत।
जहां विद्युत लाइन नहीं लगा सकते ऐसे प्रदेशों में यह अधिक उपयोगी है। कहीं पहाड़ों में लगाओ तुम्हें सौर पथदीप, सौर पथदीप को जहां लाइन नहीं है, जहां काम नहीं है, तार नहीं है, सिर्फ एक खंभे को खड़ा करने से वहां बिजली उत्पादन किया जा सकता है। आजकल आप देखते हैं बच्चों, देखते हैं या नहीं, कहीं भी देखो दिन भर वह चार्ज होता है, रात में अपने आप रोशनी देता है। सौर पद्धति से होती है बिजली की बचत। जहां विद्युत लाइन नहीं लगा सकते ऐसे प्रदेशों में यह अधिक उपयोगी है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में सिंचाई में जल निकालने के लिए सौर पंप का उपयोग किया जाता है। यह सिर्फ इतना ही नहीं, कृषि में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में खेत में खेत की सिंचाई के लिए पानी खींचने का काम सोलर पंप का उपयोग किया जाता है। यातायात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के कारण ईंधन की बचत हो रही है। आगमन और निर्गमन यातायात में क्या हो रही है, आज ईंधन की बचत हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र में भी यह अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल है, जो फैक्ट्रियां हैं, उसमें भी यह ज्यादा अधिक से अधिक लाभ सिद्ध हुआ है। सोलार एनर्जी सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। अंडरलाइन, सौर ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। यह बिजली से ज्यादा सुरक्षित है। सौर ऊर्जा बिजली से भी ज्यादा सुरक्षित है। अगर बिजली से जानलेवा आपत्ति मिलता है लोगों को, बिजली से अगर हम टच करने पर बिजली जाकर दे सकते, इससे भी सौर ऊर्जा क्या है, सुरक्षित है। सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। यह बिजली से ज्यादा सुरक्षित है निसंशय, कोई संशय नहीं। बेशक सौर ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है, इसमें शक ही नहीं है, कुछ शक ही नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा बिल्कुल उपयोग के लिए अत्युत्तम निदर्शन बन गया। ठीक है, चाहता हूं इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लो, आप वीडियो देख लो। अगर आपको कुछ इसमें शक है, संदेह है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप फोन कॉल करके पूछ सकते हैं और इसका प्रश्नोत्तर मैं दूसरी अवधि में लिखा दूंगा। जो भी उम्र दिया जाता है अच्छी तरीके से उम्र करके व्हाट्सएप के जरिए भेज दीजिए। पेयर नोट्स, होमवर्क सभी कंप्लीट रहना है। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद।